हेलो गाइस, देखिए क्यूरी अभी था और मैं अभी अपने मूरी का वर्किंग सेक्शन को दिखा रहा था। तो इस बार जो है एसीआर में सीकेपी डिवीज़न, जो सीकेपी डिवीज़न आपका है, इस जगह पे अच्छा खासा जो है न्यू एनटीपीसी वाले गार्ड साहब लोगों का, ठीक है, पोस्टिंग मिला है। तो देखिए कि एसीआर जो है साउथ ईस्ट रेलवे का जो डिवीज़न है, पहले आप वो जान ले, जैसे आद्रा, रांची, खड़गपुर और सीकेपी, मतलब चक्रधरपुर। और सीकेपी में जो आपका लॉबी है वो क्या क्या है, सीकेपी खुद एक लॉबी है, टाटा, आदित्यपुर, सिन्नी, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बंडा मुंडा, डीपीएस, और सबसे अभी विख्यात यही आपका है ना, डीपीएस। फिर बड़ा जामदा, जुरली, मनोहरपुर, नोवा मुंडी, ये वाले लोग अभी उतना खासा नहीं है, लेकिन मेनली खासा जो है यहाँ से लेकर के ये है, ठीक है। और ये जो है अपने जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है इसका, तो ज़्यादातर जो इसका आपका झारखंड का एरियाज है, उड़ीसा के बॉर्डर्स को टच करती है ना, कुछ कुछ बंगाल के एरिया को टच करता है, खड़गपुर टच करता है ना, इस सब एरिया को टच करता है आपका, ठीक है। और बाकी झारखंड मोस्टली पार्ट्स ऑफ झारखंड में ही हैं, है ना, लेकिन वही है केंजर उंझर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा का, सॉरी जिला है उड़ीसा का, केंजर हो गया, सुंदरगढ़ है आपका, है ना, वो है आपका इस तरह, फिर आपका खड़गपुर का है ना, फिर आपका क्या बोलते हैं उस साइड उड़ीसा का हो गया, फिर बंगाल का कुछ एरिया को टच करता है। देखिए उसमें से मेनली क्या आपका है, अब से टाटा का बात करें तो टाटा में देखिए टाटा वाले जो गाड़ी होते हैं वो जाते हैं खड़गपुर, और खड़गपुर के बगल में देखिएगा निमपुरा है, निमपुरा है ना, वहाँ जाते हैं, सीकेपी जाते हैं, डीपीएस जाते हैं, और वहाँ से टाटा से मुरी आते हैं। टाटा से जो गार्ड इधर वर्किंग आते हैं ना, वो मोस्टली चूँकि हम लोग मुरी से टाटा जाते हैं, देखिए जा भी रहे हैं अभी हम, तो मुरी से टाटा जाने में जब जाते हैं हम लोग वन साइड वर्किंग है, यहाँ पे हम टाटा से गाड़ी लेकर नहीं आते हैं, ठीक है। इसीलिए जो गाड़ी इधर से होती है मुरी साइड की, वो टाटा वाले गार्ड ही लेकर के उसको आते हैं। अगर हम बात करें आपको राउरकेला का, राउरकेला वाले गार्ड कहाँ जाते हैं, सीकेपी जाते हैं, झारसुगुड़ा जाते हैं, और हटिया आते हैं, हमारा जो हटिया है रांची डिवीज़न का जो एक लॉबी हटिया, वहाँ हटिया आते हैं, राउरकेला वाले भी आते हैं और बंडा मुंडा वाले भी आते हैं, ठीक है। लेकिन बंडा मुंडा वाला क्या है कि राउरकेला भी जाएगा, सीकेपी भी जाएगा, उधर आपका दुमित्रा जाते हैं, दुमित्रा एक जगह है, दुमित्रा है डीएमएफ है ना, उधर जाते हैं, है ना, इस तरह का जो है आपका वो सेक्शन है। अगर हम बात करें अगर आप डीपीएस की, तो डीपीएस का जो सेक्शन है वो क्या है, देखिए डीपीएस का जो सेक्शन में है मोस्टली वो जाते हैं सीकेपी, आरकेएसएन भाया सीकेपी होकर के, फिर आरकेएसएन, सिन्नी, टाटा जाते हैं, और टाटा के बाद फिर इधर निकलेंगे तो बड़बिल, बड़ा जामदा है ना, बोलानी खदान, ठीक है। बोलानी खदान क्या है आपका, ये जो सबसाइडिंग है यहाँ पे, बोलानी खदान में जो है से कोयला लोडिंग होता है ना, वहाँ प्राइवेट कंपनी वाला की वो लिया हुआ है, तो वहाँ पे वहाँ लोडिंग होता है, तो वहाँ पे जाते हैं, बोलानी खदान, बड़ा जामदा, बड़बिल है ना, यहाँ से देखिए पदा पहाड़ है यहाँ पे बगल में, पदा पहाड़, नवा मुंडी, ठीक है। तो ये लाइन इस सेक्शन में पड़ता है सारा चीज़, पदा पहाड़, नवा मुंडी, बड़ा जामदा, बरबिल, फिर बुलानी खदान, ये पूरा इस सेक्शन में। ये सेक्शन थोड़ा आराम है, कम से करीब करीब 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में ही इसमें चलना है, लेके जाना है यहाँ से गाड़ी जो है से साइडिंग में दे देना है, और आपका हो गया, आपका काम ख़त्म, ठीक है। उसको फिर ड्रोन आउट करने, इस प्लेसमेंट दे दिए, ड्रोन आउट करने के लिए फिर दूसरा गार्ड वहाँ से भेजेगा, ओके गाइज। लंबा सेक्शन जो पड़ता है वो 90 किलोमीटर का सेक्शन पड़ता है, वो कौन सा सेक्शन पड़ता है, केंदु झारगढ़, ये लास्ट यहाँ तक पड़ता है, क्योंकि केंदु झारगढ़ जो है ना, ये लॉबी है, ये लॉबी जो है वो खुर्दा रोड डिवीजन का लॉबी है, ठीक है। लेकिन वर्किंग जो है डीपीएस वाले यहाँ तक जाते हैं, अब पता नहीं यहाँ ये बता नहीं मैं पाऊँगा कि यहाँ से वर्किंग जो है बोथ साइड है या सिंगल साइड है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे आपका देवझर है, मुर्गा महादेव, बांसपानी, जरूली, ठीक है, नयागढ़, आपका पोरजनपुर, फिर आपका है यहाँ, ठीक है, लास्ट में आपका आता है केंदु झारगढ़, KDIR, इसका कोड कहाँ है, KDIR, ये 89 यानी कि 90 किलोमीटर डीपीएस से एक सेक्शन है जो थोड़ा लंबा सेक्शन पड़ता है। और यही सेक्शन जो है ना आगे चल करके क्या करती है, ये चल जाती है आपका, ठीक है, कटक, कहाँ चल जाती है, कटक, कटक भी एक लॉबी है। अगला जो यहाँ वाला जो गार्ड उठेंगे ना वो कहाँ तक आएंगे, कटक तक आएंगे, और कटक वाला फिर जो गार्ड उठेंगे वो कहाँ तक जाएंगे, वो ECOR में, जो ECOR में जो जो जाते हैं ना,
भुवनेश्वर डिवीज़न, अरे भुवनेश्वर जो है आपका है उसमें जो है आपका संबलपुर डिवीज़न, तो आपका संबलपुर डिवीज़न में पड़ जाता है आपका ये कटक, ये पड़ जाएगा केंदुआ झारगढ़ पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है डीपीएस वाले को तो केंदुआ झार तक आना ही पड़ेगा ना, और केंदुआ झार के बाद फिर जो है केंदुआ झार के बाद ये चलेंगे कहाँ तक, कटक तक। कटक वाले जब चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, खुर्दा रोड डिवीज़न, ठीक है, खुर्दा रोड डिवीज़न ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक, ये खुर्दा रोड डिवीज़न तक। तो ये तीन टर्म हुआ समझे, यहाँ से यहाँ खुर्दा रोड डिवीज़न से कटक, कटक से फिर आपका केंदुआ झार, केंदुआ झार से फिर आपका ये, और यही जो है खुर्दा रोड डिवीज़न के बाद क्या पड़ता है यहाँ आगे बाद, इसके बाद आ जाइए तो यहाँ पे पूरी, ठीक है, यहाँ से करीब करीब 52 किलोमीटर है और पूरी पहुँच जाता है। तो ये सेक्शन हो गया, तो ये सेक्शन थोड़ा लंबा सेक्शन पड़ता है डीपीएस वालों के, बाकी जो छोटा छोटा सब सेक्शन है, छोटा छोटा सेक्शन है, ठीक है। तो यही आपका सेक्शन था आपका डीपीएस का, डीपीएस का सीकेपी टाटा वाया सिन्नी आरकेएसएन, और एक सेक्शन ये वाला हो गया आपका पदा पहाड़ नुआ मुंडी, ठीक है, बरबीर बड़ा जामदा, ठीक है, बुलानी खदान, और एक आपका हो गया देवघर, देवघर जो है आपका जरूली होकर के सीधा केंदुआ झारगढ़, ठीक है गाइज। तो ये आपका सीकेपी डिवीज़न का, ठीक है, कुछ लॉबीज़ के नाम एंड, ठीक है, उसमें स्पेशली फॉर डीपीएस एज पर डिमांड, ठीक है, द सेक्शंस एंड जुरिडिक्शन एरिया ऑफ डीपीएस टोंगवा पोसी, तो यही है आपका सेक्शन इसका, ओके गाइज। एक छोटा सा प्रयास हमने इसे किया, बहुत बहुत थैंक्स।